तो आज हम बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी की एग्रोनॉमी वर्ड क्या है आज हम किस किस के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ एग्रोनॉमी और इसका स्कोप क्या है आ, ए, और क्या स्कोप है एग्रोनॉमी के लिए तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एग्रोनॉमी फर्स्ट है एग्रोनॉमी कि एग्रोनॉमी वर्ड क्या है तो जो एग्रोनॉमी वर्ड है वो हमारे ग्रीक वर्ल्ड से आया है हम कैसे पता लगाएंगे कि ग्रीक वर्ड से आया कि याद रखना जहाँ पर भी लास्ट में वाई मिले जहाँ पर भी लास्ट में वाई मिले वो हमेशा ग्रीक वर्ड से बिलोंग करता है को, किस वर्ड से ग्रीक वर्ड से लेकिन अगर हम कहें लेटिन वर्ड से कौन सा ब्लॉगिंग करता है तो जहाँ पर कल्चर मिले तो वो नाइन्टी करता है हंड्रेड नहीं नाइन्टी कल्चर अगर लास्ट में आता है तो वो लेटर लैंग्वेज का वर्ड होता है लेकिन हंड्रेड परसेंट पर वाई आता है वो ग्रीक वर्ड का ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है ठीक है तो हमें पता लगा कि वाई आ रहा है तो भाई ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है तो ग्रीक भाषा का वर्ड है ये ठीक है और दो वर्ड से मिलकर बना है फर्स्ट है हमारा एगर सेकंड है हमारा नोमस ठीक है तो एगर का मतलब होता है हमारा फील्ड और नोमस का मतलब होता है हमारा मैनेजमेंट ठीक है समझ में आ गया कि एग्रोनॉमी एक वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से आया है और दो वर्ड से मिलकर बना है एगर प्लस नोमस एगर का मतलब होता है फील्ड नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट ठीक है समझ में आ गया कि किसका खेतों का प्रबंधन करना खेतों का प्रबंधन करना एग्रोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं कि खेतों का प्रबंधन करना अब देख लेते हैं कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है हमारे पीट्रो डी क्रिश्चियनजी यहीं यहीं से क्रिश्चिय यही से हमारे नंबर का क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है पीट्रो डे क्रिश्चियनजी ठीक है और ग्रीक वर्ड का ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एगर प्लस नोमस से दो वर्ड से मिलकर बना है अगर का मतलब होता है फील्ड नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट चलिए अब आगे बात कर लेते हैं समझ में आ गया होगा अब हम आगे बात कर लेते हैं कि एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है एक और है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो है वो न्यू डेली में है और वो नाइनटीन थर्टी सेवन में स्टार्ट हुई थी ठीक है नाइनटीन थर्टी सेवन से इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी ठीक है अब एग्रोनॉमी क्या है सिंपल सी बात है एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम फील्ड के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं खेतों के मैनेजमेंट के बारे में खेतों के मैनेजमेंट में उसमें हमारे सब कुछ चीज़ें आती हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं भाई इरीगेशन कैसे होगी हमारा जो खेत है उसमें मिट्टी है तो खेत का प्रबंधन हो या फिर मृदा का प्रबंधन हो तो एक जो हमारी खेत है जो हमारा खेत है फील्ड है उसमें क्या हम कर सकते हैं कि इरिगेशन की फैसिलिटी देनी हमारे लिए जरूरी होंगी कुछ हार्बिस जब क्रॉप का प्रोडक्शन क्रॉप uh, का प्रोडक्शन करने के लिए तो क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट किस तरह से होगा और जब हम क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करेंगे तो हमें रिमेंबर रखना होगा कि हार्बिसाइड पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स इनका भी यूज़ करना होगा हमें तो क्या होता है कि एग्रोनॉमी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से हम सॉइल का मैनेजमेंट करते हैं किस तरह से हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं किस तरह से जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ को uh, in, uh, के बारे में पढ़ते हैं किस तरह से हार्बिसाइड किस तरह से पेस्टिसाइड और किस तरह से फर्टिलाइजर्स यानी कि सोइल मैनेजमेंट फर्स्ट वर्ड आता है सेकंड आता है क्रॉप प्रोडक्शन फिर आता है हमारा इरिगेशन नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है हार्बिसाइड्स और हम वीड्स को कैसे कंट्रोल करते हैं ये भी इसमें पढ़ते हैं पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स और क्या वीड्स के बारे में वीड को कैसे कंट्रोल करते हैं ये सभी के बारे में हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या बन जाती है कि एग्रोनॉमी इज अ डायनेमिक डिसिप्लिन एक डायनेमिक डिसिप्लिन है और वास्ट एरिया में फैला हुआ है पहली चीज लेकिन एक बात और जाती है कि इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग इरीगेशन एंड द यूज ऑफ हार्बिसाइड पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स ये हमारी एग्रोनॉमी की डेफिनेशन हो जाती है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी के ब्रांचेस क्या क्या होती हैं तो एग्रोनॉमी की हमारी मेनली थ्री ब्रांचेस होती हैं और वो तीनों ब्रांचेस क्या होती हैं भाई क्रॉप होती है सॉइल होती है और एनवायरनमेंट होता है किसी भी फसल को उगाने के लिए किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सॉइल की ज़रूरत होती है सेकंड ऑफ ऑल हमें एनवायरनमेंट की वातावरण की ज़रूरत होती है जिस पर अफेक्ट करते हैं रेनफॉल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह ये सभी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं तो एक फसल को उगाने के लिए किस तरह से याद रखेंगी कि एक फसल को उगाने के लिए हमें खेत में मिट्टी चाहिए होगी और उसके लिए वातावरण अच्छा चाहिए होगा तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई कि तीन ब्रांचेज होती हैं एग्रीकल्चर की सॉरी एग्रोनॉमी की अब हम बात कर लेते हैं कि एग्रोनॉमी है क्या है एग्रोनॉमी हमारी मदर है वही मदर है हमारी मदर है इसको हम प्राइमरी ब्रांच भी बोलते हैं प्राइमरी ब्रांच इसे क्यों बोलते हैं फर्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि एग्रोनॉमी को हम प्राइमरी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर क्यों बोलते हैं क्योंकि एग्रोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं कि खेत है उसमें किस तरह से हम पानी देंगे उसमें जो आ, किस तरह से हमारी फसल उगेगी किस तरह से उसमें जो फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स और वीड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हार्बिसाइड वगैरह का किस तरह से मैनेजमेंट होगा सभी का इसमें पढ़ते हैं तो क्या होता है कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन किस तरह से मिलेगा उसी के अच्छे से अच्छे किस जो भी जिस भी तरह के मैनेजमेंट हम किए जा रहे हैं सब हमारे एग्रोनॉमी में स्टडी करते हैं ठीक है क्लियर अब उसमें क्या बात आती है जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो हमें क्या मिलती है फसल अब वो फसल जो हमें मिलती है उसे हम मार्केट में बेच देते हैं उससे फिर आ, मतलब जैसे वीट है मान लिया हमें मिली मान लीजिए सुगर केन है ठीक है ये वीट ही मान लीजिए कि हमें वो वीट मिली हमने खेत से प्राइमरी एक्टिविटीज़ करी उसमें ये प्राइमरी में आता है जो हम सारी एक्टिविटीज़ करेंगे कि उसको लगाया पहले टीलेज प्रोसेस करी फिर उसको बीज को बोया खेत में उसके बाद हमारी क्रॉप हमारी उगी आई उसके बाद उसमें स्प्रे वगैरह की हार पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स वगैरह मैनर वगैरह सब उसे प्रॉपर मात्रा में दिए उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसे हारवेस्ट किया हारवेस्ट करने के बाद उसे क्या किया मार्केट में बेच दिया जब हमने मार्केट में बेच दिया मार्केट में बेचने के बाद उन मार्केट वालों ने उसे किस में बेच दिया इंडस्ट्री में बेच दिया और इस इंडस्ट्री में उसका क्या बनाए गए बिस्किट बनाई गई पार्लेजी बिस्किट जो होते हैं वो वीट के बने होते हैं के इसके बाद वो जो हमारे बिस्किट हैं वो हमारे मार्केट मतलब फिर दोबारा से हमारे दुकानों पे आ गए मार्केट में आ गए जो कस्टमर को बेचे गए यानी कि हम जैसे लोगों को ने खरीद लिए तो क्या हुआ कि प्राइमरी एक्टिविटी थी जब हमने जो खेत से फसल ली सेकेंडरी एक्टिविटी थी जब उस गेहूँ से क्या बने बिस्किट बने और टर्शरी एक्टिविटी थी जब वो दुकान पर आने के बाद फिर दोबारा से कस्टमर के पास चली गई तो ये एक्टिविटीज़ हो गई तो इसी तरह से जो एग्रोनॉमी में हम सारे खेत के बारे में पढ़ते हैं तो खेत में में क्या मिलता है रॉ मटेरियल मिलता है कच्चा पदार्थ मिलता है उसको आगे क्या किया जाता है मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसी ही रॉ मटेरियल को हम प्राइमरी ब्रांच बोलते हैं ठीक है और इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं भाई एक पौधा है एक पौधा है उसका ये जो मिट्टी है उसके नीचे जो मिट्टी है उसके साथ और उसके क्लाइमेट के साथ क्या रिलेशन रहने वाला है उसके बारे में पढ़ने हैं यानी कि जो बच्चा है उसका अपनी मम्मी पापा के साथ क्या रिलेशन रहने वाला है तो उसकी मम्मी क्या है सॉइल और पापा क्या है क्लाइमेट ठीक है याद रहने वाला है इसी तरह से याद रहने वाला है लेकिन इसी चीज़ इसी से याद कर लीजिए कि हमने क्या पढ़ा था कि ब्रांचेज ऑफ सॉइल तीन होती है सॉइल की क्या होती है सॉइल होती है क्रॉप होती है मैनेजमेंट यानी कि क्रॉप यानी कि फसल है उसको क्या जरूरी होती है सॉइल मिट्टी ज़रूरी होती है और एनवायरमेंट यानी कि क्लाइमेट कंडीशन ज़रूरत होती है ठीक है तीनों चीज़ें याद होगी अब हम बात कर लेते हैं कि स्कोप क्या होता है स्कोप फॉर एग्रोनॉमी स्कोप की बात कर लेते हैं ठीक है स्कोप की बात कर लेते हैं तो एक तो फर्स्ट चीज़ आती है कि ये जो एग्रोनॉमी है एक डायनेमिक डिसिप्लिन है और बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ है पहली कंडीशन है कि बहुत एक बहुत ज़्यादा कंडीशन में फैला हुआ है अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है दूसरी हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं खेत है हमने उसमें कोई फसल उगा दी वो फसल हमने काट ली जो हमारे मतलब बेच के आने मार्केट में बेच के आने का काम था वो हमने मार्केट में भेज दिया लेकिन जो नीचे की हरी हरी जो हमारी उसका बॉडी पार्ट रह गया उसको हम क्या करेंगे भाई उसका भी तो कुछ यूज़ होना चाहिए तो उसको हम खेतों में तो फेंक नहीं सकते तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे लाइव स्टॉक जो हम पशुपालन करते हैं उनको खाने के लिए चाहिए होगा तो उनको खाने के लिए हम उसको दे सकते हैं फोडर के रूप में तो क्या होगा कि इसमें हम इस तरह का भी मैनेजमेंट करते हैं कि पशुओं को पालने और उनके खाने तक का सारा प्रबंधन जो होता है वो हमारा किस में आता है एग्राउंड इकोनॉमी में थे उसके लिए ये भी स्कोप हो जाता है दो ठीक है दो पॉइंट याद हो गए थर्ड पॉइंट आता है कि इसमें हमारे बहुत सारे रिसर्चेज किए रिसर्च कर सकते हैं हम सोइल की सोइल पर कि हमारी मृदा कैसी है खेत की उसका क्लाइमेट वहाँ का कैसा है वातावरण कैसा है वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाती हैं एग्रोनॉमिक रिसर्च क्रॉप्स के ऊपर जिसमें अलग अलग डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं जैसे कि हमारी सॉइल के बारे में क्लाइमेट के बारे में इरीगेशन के बारे में फर्टिलाइजर्स के बारे में किसी भी चीज के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सक, थर्ड बात हो जाती है फोर्थ बात कर लेते हैं स्कोप क्या क्या हो सकता है कि क्या करते हैं कि एग्रोनॉमीज जो एग्रोनोमी में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो हम अपने खेतों में ही कर सकते हैं कुछ हम कर सकते हैं जो लाइब्रेरीज में करते हैं ठीक है लाइब्रेरी में लेके जाके कर सकते हैं जैसे कि मृदा का हम क्या करेंगे सोइल है उसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो हम खेत में तो नहीं कर सकते उसका आ, वो किस तरह से करेंगे उसके ऊपर जो रिसर्च करेंगे उसका जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हमें लाइब्रेरी में करना होगा तो लाइब्रेरीज में बात होगी और हम बात करें कि हमें एनवायरमेंट के बारे में पता लग रहा है तो एनवायरमेंट को तो हम यहाँ तो तक नहीं लेके जा सकते लाइब्रेरी में नहीं लेके जा सकते भाई वो तो वहीं का वहीं रहने वाला है तो उसके बारे में हम स्टडी कहाँ करेंगे वहीं की वहीं करने वाले हैं तो वो हमारे फील्ड में ही बात हो जाती है तो इस पर रिसर्च हम खेत में भी कर सकते हैं और लाइब्रेटेरीज में भी कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया कि भाई एक डायनेमिक बॉडी है और क्या है बहुत ज़्यादा इसका एरिया फैला हुआ है अपने आप से हम लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दोनों ही तरह के जो बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे आई थिंक और सेकेंड हम बात कर लेते हैं कि भाई एग्रोनॉमी में और क्या बात आता है कि जो हम पशुपालन करते हैं उनके पशुपालन के पशुपालन को लेकर उनके खाने तक का जो प्रबंधन है ना वो हमारा इकोनॉमी में हो जाता है किस तरह से हो जाता है ये मैंने आपको बता दिया है ठीक है थर्ड हम बात कर लेते हैं कि हमारे रिसर्च किए जाते हैं और रिसर्च जो किए जाते हैं वो दो तरह से किए जाते हैं एक तो हमारे लाइब्रेरी में किए जाते हैं एक हमारे फील्ड में किए जाते हैं लाइब्रेरी में क्या किया जा सकता है जैसे कि मिट्टी मिट्टी को हम लेके जा सकते हैं लेकिन एनवायरमेंट का वहीं का वहीं रहने वाला है उसको हम कहीं नहीं लेके जा सकते तो उसका एक्सपेरिमेंट कहाँ होने वाला है हमारा फील्ड में होने वाला है ठीक है हम हम जो हमारे तीन पॉइंट की बात हो है एक और पॉइंट हमने पढ़ा था फोर्थ एक और पॉइंट क्या पढ़ा था हमने फोर्थ कि आ, क्या था कि रिसर्च रिसर्च कर सकते हैं हम इसमें कुछ एन्वायरमेंटल कंडीशंस पर और इन पर रिसर्च कर सकते हैं ये तो हमने पढ़ा कि इसका रिसर्च किस तरह से किया जा सकता है एक हमने पढ़ा था कि रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च हम सॉइल के ऊपर कर सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर कर सकते हैं इरिगेशन के ऊपर कर सकते हैं डजेंट मैटर दैट आप कहाँ रिसर्च कर सकते हैं इसमें एक सिर्फ ये था कि हम रिसर्च कर सकते हैं इसमें मैटर करता है कि हम रिसर्च कहाँ कहाँ कर सकते हैं तो एक लाइब्रेरी में और एक फील्ड में चार पॉइंट हो गए ये पाँचवा पॉइंट की बात कर लेते हैं हम कि इसमें वो एप्लीकेशंस भी हमारी मिली हुई होती हैं जिसमें हम सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पता लगाते हैं उनके बारे में प्रैक्टिस करते हैं और उनके बारे में ये पता लगाते हैं कि भाई एक फील्ड है एक खेत है उसको हम किस तरह की सोइल दे किस तरह की किस फसल के लिए किस तरह की सॉइल होनी चाहिए किस फसल के लिए किस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए किस फसल के लिए किस तरह की रेनफॉल होनी चाहिए किस तरह के किस किस फसल के लिए किस तरह की ह्यूमिडिटी होनी चाहिए तो इन सभी के बारे में भी हम इसी में ही डिस्कस करते हैं एग्रोनॉमी में ही इन्हीं सभी के प्रैक्टिस के बारे में मिस मिस्टर करते हैं पॉइंट पॉइंट हो गया की हम बात कर लेते हैं कि सारी प्रोसेस भी हमारी एग्रोनॉमी में ही आ जाती हैं टिलेज प्रोसेस सस्टेनेबल फार्मिंग मिक्स्ड फार्मिंग प्रॉपर मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर मेथड ऑफ सॉइल मैनेजमेंट ये सभी हमारे इसमें आ जाते हैं एग्रोनॉमी में आ सकते हैं आ जाते हैं तो हम क्या कि हम खुद से भी बना के लिख सकते हैं सिक्स पॉइंट मैंने आपको बता दिए एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह मैंने आपको स्टडी कराता है लेकिन हम खुद से बना के लिख सकते हैं स्कोप का मतलब होता है कि क्या क्या और चीजें हम मतलब क्या क्या चीजें हैं जो हम एग्रोनॉमी में कर सकते हैं किस किस चीज़ के बारे में हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं इसका स्कोप क्या क्या हो सकता है तो हम खुद से बना के लिख सकते हैं तो आज की आपकी जो क्लास है वो यही समाप्त होती है आपको एग्रोनॉमी के बारे में बता दिया स्कोप के बारे में बता दिया नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी हम लेके आने वाले हैं लेकिन फर्स्ट ऑफ वो ऑल आपको एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी के स्कोप के बारे में पढ़ना होगा इसके बाद हम आपकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कुछ ही वीडियोज़ में सारी एग्रोनॉमी कवर करा देंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो बाय बाय